सिनेमा हॉल प्रेजेंट्स एम्पायर ऑफ पैशन। कहानी की शुरुआत में हम एक रिक्शे वाले को देखते हैं जो बिना रुके हुए एक सुनसान रास्ते पर बढ़ता जा रहा है। काफी समय बाद वो एक नदी को पार कर अपने गांव में दाखिल होता है, एक छोटा पर बहुत ही सुंदर गांव। अपने घर की तरफ बढ़ते हुए वो गांव के एक मंचले के पास से गुजरता है, पर वो दोनों बात नहीं करते। घर पर उसकी बीवी थके हुए रिक्शा वाले की खूब सेवा करती है, उसे गर्म शराब पिलाती है, नहाने के लिए गर्म पानी देती है। नहाते नहाते वो अपनी बीवी सेकी से उस मंचले तोयोजी के बारे में पूछता है जो उसको घर के रास्ते पर मिला था। वो जानना चाहता है कि क्या उसकी अनुपस्थिति में तोयोजी अक्सर घर आता है। सेकी बड़ी सरलता से उसे बताती है कि आर्मी से निकलने के बाद अक्सर वो भटकता रहता है। अब वो अपनी बीवी से पूछता है कि बेकार तोयोजी कहीं उस पर डोरे तो नहीं डाल रहा। सेकी कहती है, तुम जानते हो मैं उसकी माँ की उम्र की हूँ। पति कहता है, हाँ पर तुम आज भी 30 के ऊपर की नहीं लगती और इसीलिए गांव वाले तुम्हें लिटिल सेकी कहते हैं। सेकी अपने पति के पैर तब तक दबाती है जब तक वो सो नहीं जाता और फिर थक हार कर सेकी भी उसके साथ सो जाती है। मंचला तोयोजी मिठाई लेकर व्यस्त सेकी के घर पहुँचता है। वो उसके लिए चाय परोसती है और कहती है कि वो उसे बिगाड़ रहा है। चाय परोसते समय उसे अचानक अपने पति की डोरे डालने वाली बात याद आती है। सहमी हुई सेकी घूरते हुए तोयोजी से पूछती है कि क्या वो उसके घर के चक्कर ज्यादा नहीं लगा रहा आजकल। तोयोजी जवाब देने की बजाय मिठाई उसकी तरफ बढ़ा देता है। गांव के एक संपन्न युवक के विवाह समारोह से लौटते समय शराब में धुत तोयोजी अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर सेकी और उसके पति गिसाबुरु को डराने की कोशिश करता है। सेकी का पति उन आवाजों को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन सेकी सहम जाती है। अगले दिन सेकी जब अपने बच्चे के साथ घर में अकेली होती है, तोयोजी वहां एक बार फिर से आता है। इस बार उसकी मनोस्थिति बहुत अलग सी लगती है। वो बच्चे के साथ सोती हुई सेकी को जकड़ लेता है। सेकी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तोयोजी उसकी एक नहीं सुनता। वो सेकी को उठाकर एक दूसरे कमरे में ले जाता है। अपने बिलखते हुए बच्चे की आवाज सुन सेकी और संघर्ष करती है, लेकिन तोयोजी पे मानो कोई भूत सवार होता है। कुछ समय बाद सेकी संघर्ष करना छोड़ देती है और हार मान लेती है। दूसरी तरफ गिसाबुरु अपने परिवार के लिए दिन रात एक कर देता है। गिसाबुरु को लेकर सेकी के दिल में ग्लानी है, लेकिन उस दिन के बाद उसकी तोयोजी के आगे एक भी नहीं चलती। सेकी उससे कहती है कि उसे विश्वास नहीं होता कि वो उससे 26 साल छोटा है। तोयोजी कहता है कि उसे भी विश्वास नहीं होता कि वो उससे 26 साल बड़ी है। साथ ही वो ये भी कहता है कि सेकी और गिसाबुरु को एक साथ देखकर अब उसको तकलीफ होती है। इन सब से अनजान गिसाबुरु एक घोड़े की तरह अपना रिक्शा खींचता रहता है। अब हम सेकी और गिसाबुरु की बड़ी बेटी से मिलते हैं जो एक संपन्न परिवार के यहाँ काम करती है। लड़की एक अच्छे जीवन के लिए स्कूल जाना चाहती है, लेकिन गिसाबुरु का मानना है कि नैनी का काम सीखकर उसका जीवन शायद उसकी माँ से बेहतर होगा। उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी माँ को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाया। बाहर खटपट सुनकर गिसाबुरु दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तोयोजी पकड़े जाने से पहले ही वहां से निकल लेता है। बेचैन तोयोजी को रास्ते में सेकी मिल जाती है जो अपनी मासी के घर से वापस आ रही है। तोयोजी उसे देखते ही गले से लगा लेता है। गांव के बीचों बीच तोयोजी की इस हरकत से सेकी घबरा जाती है, तो तोयोजी उसे अपने साथ उसके घर चलने के लिए कहता है। शुरू में सेकी तैयार नहीं होती, लेकिन तोयोजी के बार बार आग्रह करने पर वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। घर में संभोग करने के बाद भी तोयोजी की बेचैनी खत्म नहीं होती। वो अब सेकी को गिसाबुरु के साथ साझा नहीं करना चाहता। वो सेकी को अपने और गिसाबुरु के बीच में चुनने के लिए कहता है। सेकी इसके लिए तैयार नहीं है। तोयोजी उसे आश्वस्त कराता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। इसके बाद वो घबराई हुई सेकी को अपनी योजना बताता है। कुछ दिन बाद एक तूफानी शाम को गिसाबुरु घर जल्दी आ जाता है। तोयोजी की योजना के अनुसार सेकी ने घर में शराब का पहले से ही इंतजाम कर रखा है। वो ठिठुरते हुए गिसाबुरु को अपने हाथ से शराब पिलाना शुरू कर देती है और साथ ही उसका मनपसंद खाना भी परोसती है। गिसाबुरु तो मानो जैसे सातवें आसमान पर ही पहुंच गया हो। एक बोतल खत्म होते ही बिना तूफान की परवाह किए सेकी दूसरी बोतल के लिए दौड़ जाती है। अपने पति की तरफ उसकी निष्ठा देखकर दुकानदार भी बहुत खुश होता है।
दूसरी बोतल खत्म होते ही सेकी तीसरी बोतल भी ले आती है। इतनी खातिर नवाजी के बाद जब थका हारा गिसाबुरो लमलेट हो जाता है, सेकी तोयोजी को बुला लाती है। बच्चे के कमरे को बंद करने के बाद तोयोजी उससे रस्सी मांगता है। अपनी योजना के अनुसार वो दोनों रस्सी से गिसाबुरो का गला घोटकर उसे मार देते हैं। रोती हुई सेकी के पूछने पर तोयोजी उससे कहता है कि कोई अगर गिसाबुरो के बारे में पूछे तो कहना वो टोक्यो चला गया है। इसके बाद वो दोनों गिसाबुरो की लाश को घसीटकर पास के जंगल में ले जाते हैं और एक पुराने कुएं में उसे फेंक देते हैं। मौसम बदलता है, झड़ आता है और तोयोजी रोज पत्ते जमा कर उस कुएं में डालता रहता है। एक दिन गांव का संपन्न युवक उसे ऐसा करता देख लेता है। तोयोजी उससे कहता है कि वो पत्ते गीले हैं, इसलिए वो उन्हें घर जलाने के लिए नहीं ले जा रहा। युवक उसे कुएं की गहराई का वास्ता देते हुए सावधान रहने को कहता है। 3 साल बीत जाते हैं। गांव वाले बात करना शुरू कर देते हैं कि गिसाबुरो किसी भी त्योहार पर घर वापस क्यों नहीं आता, लेकिन उसकी बेटी जो बड़ी हो रही है वो त्योहार के लिए घर वापस आती है। उसे लगता है कि उसके पिता का देहांत हो चुका है और उसे ऐसा अपने सपने में भी दिखाई देता है। और उसी वक्त गिसाबुरो के रिक्शे के पहिए अपने आप घूमने लग जाते हैं। रात में सेकी को अपने पति की आवाज सुनाई देती है। बाहर आने पर उसे अपने पति का भूत नजर आता है जो उसे अपने पास बुलाता है। सेकी उससे माफी मांगती है और उसके पति का भूत उससे शराब। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या गिसाबुरो घर वापस आ गया है। सेकी बोतल लेके उस कुएं के पास पहुंच जाती है और शराब को कुएं में उड़ेलने लगती है। सुबह जब तोयोजी वहां आता है, वो सेकी को कुएं के पास पड़ा हुआ पाता है। वो जल्दी से उसे उठाता है और वहां से दूर ले जाता है। सेकी उसे रात अपने घर बिताने को कहती है। तोयोजी इससे मना कर देता है क्योंकि उसकी बेटी शिन घर पर है। अब सेकी उससे पूछती है कि क्या वो उससे थक गया है। सेकी उसे किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। उस रात सेकी की मालकिन उस घर पर सोती है और उसे भी गिसाबुरो का भूत नजर आता है। सेकी की बेटी शिन बताती है कि उसके सपने में भी उसका पिता आया था जो उसे एक कुएं से बाहर निकालने की गुहार लगा रहा था। भूत की कहानी फैलने लगती है तो पुलिस का अफसर होटा गांव में पूछताछ करने आता है। पहले तो वो नरमी से पेश आता है, लेकिन जब उसको अपनी किसी भी बात का सही जवाब नहीं मिलता तो वो सेकी पर भड़क जाता है। घबराई हुई सेकी तोयोजी के घर पहुंच जाती है जो उसे अपने से दूर रहने को कहता है। वो उसे समझाता है कि उसे भूत से ज्यादा पुलिस अफसर से डरना चाहिए और उसे अगर फिर से भूत नजर आए तो वो उसको शराब पिलाए। सेकी दुकान से शराब लेकर जैसे ही अपने घर की तरफ निकलती है, गिसाबुरो का भूत अपना रिक्शा लेकर उसके पीछे हो लेता है। वह शिन अपनी माँ को रिक्शे के पास बेहोश पाती है। शिन अपनी माँ से कहती है कि वो अपने काम पर वापस जा रही है और जाते जाते उससे पूछती है क्या वो सचमुच उसके पिता के बारे में कुछ नहीं जानती। अपने भाई का ख्याल रखने के लिए कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ऑफिसर होटा सेकी के मालकिन के घर पहुँच जाता है। तोयोजी भी उसके पीछे होता है। तोयोजी सेकी को बताता है कि मालकिन के बेटे ने उसे पुराने कुएं में पत्ते डालते हुए देखा है। देखा तो था पर वो भूल जाता है किस कुएं में, क्योंकि उस जंगल में ऐसे और भी बहुत से कुएं होते हैं। मालकिन का बेटा जंगल में कुएं की शिनाख्त के लिए जाता है और तोयोजी उसके पीछे। उस इकलौते चश्मदीद का जिंदा रहना अब तोयोजी के लिए खतरा बन जाता है। दूसरी तरफ सेकी की बिगड़ती हालत तोयोजी से देखी नहीं जाती और वो एक बार पहले की तरह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता है। वो एक बार फिर मिठाई लेकर उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसकी ये हरकत सेकी को अपने पति की चेतावनी फिर से याद दिला देती है। पुलिस अफसर होटा उनके घर के नीचे के तहखाने में बैठकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन सुबह तोयोजी का पागल भाई गांव वालों को जंगल में कुछ दिखाने के लिए ले जाता है। जंगल में एक पेड़ से मालकिन के बेटे की लाश लटकी होती है। अफसर होटो अफसोस जताने के लिए मालकिन के घर पहुंचता है तो वो उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। वो जानना चाहती है कि उसने अब तक गिसाबुरो को क्यों नहीं ढूंढा और साथ ही ये भी बताती है कि गांव में अफवाह है कि उसके बेटे ने गिसाबुरो को मारा था
और उसके भूत ने उसके बेटे को मार डाला। अफसर होटा उसे आश्वासन देता है कि वो बहुत जल्द इस केस को सुलझा देगा। अब सेकी की हालत और खराब हो जाती है। उसकी हालत को देखकर तोयोजी कहता है कि उन्हें गिसाबोरू के भूत से छुटकारा पाने के लिए उसकी लाश का अंतिम संस्कार करना होगा। वो दोनों कुएं में उतरकर गिसाबोरू की लाश ढूंढने लगते हैं और तभी उन पर ऊपर से पत्ते बरसने लगते हैं। ये पत्ते उन पर गिसाबोरू का भूत डाल रहा होता है और दो पत्तों की नुकीली टहनियां सेकी की आंखों में खुब जाती हैं। अब सेकी को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। होटा अन्य पुलिस कर्मियों के साथ उनके घर पर छापा मार देता है। अंदर तोयोजी और सेकी नग्न अवस्था में मूर्ति की तरह आलिंगन करे बैठे होते हैं। उनसे सच उगलवाने के लिए पुलिस उन्हें पेड़ से लटकाकर पीटना शुरू कर देती है। सेकी की बुरी हालत को देखकर तोयोजी अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और उसके पीछे पीछे सेकी भी। अब वो दोनों पुलिस को उस कुएं के पास ले जाते हैं और 3 साल बाद गिसाबोरो के शव को कुएं से निकाला जाता है, जिसके गले में अब भी वो रस्सी बंधी हुई है। कुछ सालों बाद सर्दी की बर्फबारी के बीच गांव में एक अफवाह उठती है कि उन दोनों को सजा के तहत मौत के हवाले कर दिया गया है।